गाइज वेलकम बैक। सो आज है 7 जुलाई और कल मैंने करा था ईटिंग द फूड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉर 24 आवर्स। तो आज मैं करने वाली व्लॉगिंग और आज आपको मेरी वीडियो में और व्लॉग में आपको आर्ट वर्क भी मिलेगा। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और बीच बीच में मैं व्लॉगिंग करूंगी और आर्ट वर्क भी दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं सबसे पहले सुबह पी रही हूँ आइस टी। सो एक सेकेंड, ये ऐसी दिखती है, टेस्टी है। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेरी YouTube की वजह से थोड़ी सी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है। सो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। सो मैं अब अपनी वीडियो को बनाना एक हफ्ते बाद कंटिन्यू करूँगी और आपका सपोर्ट मुझे थोड़ा कम मिल रहा है। सो प्लीज़ मुझे अपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम आप मेरी इस पेंटिंग को एंजॉय करिए और अब हम मिलते हैं एक हफ्ते बाद इस वीडियो के बाद। सो थैंक यू। अब मेरी पेंटिंग हो चुकी है, पूरी हो रही है मेरी पेंटिंग के फाइनल रिजल्ट। होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था आज 7 जुलाई और आज है गुरुजी का बर्थडे। सो मैं पहले आपको उनकी फोटो दिखाती हूँ। सो ये है गुरुजी। सो आप में से भी बहुत ज्यादा व्यूअर्स इनको जानते होंगे। इनका जो बड़ा मेन मंदिर है वो छतरपुर में है एंड लॉकडाउन की वजह से इनका बर्थडे आज, तो इनका बर्थडे सेलिब्रेशन वहां पे नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे उनके बर्थडे के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन कराए, यहीं पे सारी संगत को लंगर दिया जा रहा है। आपको बाहर जाके दिखाती हूँ और ज्यादा सत्संग का वो नहीं कराया है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। और आप लाइव सीन देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम कई साल से हमने जाना शुरू कर रखा है गुरु जी के वहां पर मेन मंदिर में छतरपुर में, बट हम 2 साल से छतरपुर नहीं गए हैं इनके मेन मंदिर में क्योंकि आप सभी को जैसे पता है ये महामारी चल रही है कोरोना वायरस, ये डिजीज है बहुत ही बुरी वाली। तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर छोटा सा सेलिब्रेशन किया हुआ है और जो कि मैं सोचती हूँ कि आप सबको अच्छा भी लगेगा और ये बहुत ही क्यूट से सेलिब्रेशन है थोड़ा सा। एंड ऑल्सो कि वहां पर जब जाते हैं तो एक अलग ही वाइब बन जाती है। इतने अच्छे फूलों के थीम होते हैं, सारी जगह फूल भरे होते हैं और ऐसे अलग अलग टाइप के फूलों के खुशबू होते हैं, बहुत ही मजा आ जाता है वहां पर जाकर। बट क्या करें, उसको बहुत मिस भी करा जा रहा है। सो ये कर थोड़ा सा अपने मन को बहलाने वाली बात होती है, बट फिर भी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पर माहौल होता है वहां पर, बट 2 साल से नहीं हो पा रहा है ये। और अगर आप में से कई व्यूअर मुझे लगता है वहां जाते होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस गुरु जी हमारे,
बहुत ही अच्छे थे ये। एंड आप में से कहीं भी और जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वहां का माहौल कैसा रहता है, कितना अच्छा रहता है। एंड ऑल्सो कि आप सभी को मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिख देना। ये एक छोटी सी विश होगी आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से गुरुजी के लिए। सो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सभी हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये छोटी सी विश गुरुजी को अच्छी लगेगी। तो संगत को खाना देने से पहले, संगत को लंगर देने से पहले हमने पहले सबसे पहले गुरुजी का भोग लगाया है। एंड ये इसको लंगर बोला जाता है और इसमें है हलवा और कड़ा प्रसाद जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हलवा बोलते हैं, और ये है आलू की सब्जी और पेठे की सब्जी। सो कितना डिलीशियस खाना है और हमारे गुरुजी भी खुश हो रहे होंगे। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पोज मार रखी है गुरुजी ने। तो जय गुरुजी की। बड़ी हमारी बड़ी मम्मी और मम्मी एंड और यहाँ पर मानू दीदी है, मानवी दीदी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सो मम्मी हाय कर दो, नमस्ते कर दो, जो करना है। नहीं आप जय गुरुजी। हाँ जी बड़ी मम्मी आप भी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। यहाँ पर सब एकदम भगत बने हुए हैं, कोई भी हाय कुछ नहीं कर रहा है, सब जय गुरुजी बोलेंगे आज क्योंकि गुरुजी का डे है। एंड आज विश कर दीजिए आप भी अपनी तरफ से गुरुजी को एक बार। मैंने आपको थोड़ा सा ही दिखाया था वहाँ पर, और हम 6 बजे गए थे और अब बज चुके हैं 9 और अब हम वापस घर आ चुके हैं। और एज ऑलवेज हीरो और बड़े हमारे ऊपर बहुत तेज कूदे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। एंड इससे भी मिला देती हूँ, रेडी अभी भी उसी मूड में है। सो अभी बारी आ जाती है इस व्लॉग को एंड करने की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।